नमस्कार, मैं हूं सैम। मैं हूं शम्स। और हम दोनों का मकसद सिर्फ एक है, वो है आपका फायदा। यानी कि बाजार में कोई भी नई गाड़ी आए, आप तक उसकी जानकारी सबसे आसान तरीके से पहुंच जाए, और वो भी सिर्फ एक वीडियो में। हर जानकारी, वो चाहे उसके डिजाइन के बारे में हो, चाहे फीचर्स के बारे में हो, वो उसकी कीमत के बारे में हो, सेफ्टी के बारे में हो, कॉम्पिटिशन के बारे में हो, हर जानकारी सिर्फ एक वीडियो में। और इस वीडियो में भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। गाड़ी Hyundai की नई ओरा कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट, बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट इंडिया में, जिसका रनअवे लीडर मारुति डिजायर। Hyundai कुछ अच्छा नहीं किया है पिछले कुछ सालों में सेगमेंट में, और उम्मीद कर रहा है कि ओरा विल बी द कार दैट विल टर्न इट अराउंड फॉर देम इन दिस वेरी वेरी कंपेटिटिव सेगमेंट। बहुत कुछ इसके बारे में बात करने के लिए आज इस वीडियो में, ऑफकोर्स स्टार्टिंग विद द डिजाइन, देन द इंटीरियर्स, एंड सो मेनी इंजन एंड गियर बॉक्स ऑप्शंस, एक करके सबकी बात करेंगे और आपको बताएंगे एंड में कि आपके फायदे की क्या बात है। ग्रैंड आइटन नायोस के प्लेटफॉर्म पर बनी इस गाड़ी को 5 वेरिएंट्स और 6 कलर ऑप्शंस में उतारा गया है। X-शोरूम कीमत शुरू होती है 5,80,000 से 9,22,000 के बीच। 4 मीटर से छोटी इस सेडान की लंबाई 3,995 mm है और ऊंचाई 1,520 mm। जो बदलाव है वो है व्हील बेस का, जो कि 20 mm बढ़ चुका है, यानी डिजायर के बराबर 2,450 mm का। डिजाइन के लिहाज से पहले दो हिस्से में आपको ग्रैंड आइटन नजर आएगी। जो बदलाव है वो है डुअल बूमरैंग का। साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील्स काफी अच्छे लग रहे हैं। रियर में 4 मीटर से छोटी इस गाड़ी में जो बात कस्टमर्स को अच्छी लगेगी वो है एलईडी इंसर्ट्स के साथ रैप अराउंड टेल लाइट्स। जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, 4 मीटर से छोटी गाड़ी का सेगमेंट, इसमें गाड़ी डिजाइन करने के दो तरीके हैं। एक, जैसे कि शुरुआत में हुआ था टाटा इंडिगो ईसीएस या फिर डिजायर के साथ, कि 3 बॉक्स सेडान को पीछे से काट दिया जाए, और उसके बाद जो शुरुआत हुई अपनी छोटी गाड़ी को पीछे से लंबा कर दिया जाए। ये दूसरी श्रेणी में आती है। जी हाँ, छोटी गाड़ी यानी कि ग्रैंड आइटन नायोस जो कि बाजार में मौजूद है, उसको पीछे से लंबा किया गया है। अब क्या वो लंबा करना डिजाइन के लिहाज से सही लग रहा है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए। शम्स, जो चैलेंज है उसको पूरी तरीके से Hyundai आगे बढ़ा पाई है, क्योंकि रियर को सीमलेसली इंटीग्रेट तो किया गया है। इंटीग्रेट किया गया है, बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट Hyundai ने हमें बताया कि जो बायर्स चॉइस होती है, जो फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं गाड़ी खरीदने में, इस सेगमेंट में डिजाइन इज द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर। उन्होंने कुछ सोच समझ के क्या होगा उस गाड़ी में किया है, तो स्लोपिंग रूफ दिया है, थोड़ा जो हमने टिगोर में देखा था, थोड़ा स्टाइल बैक जो एक था वो एक यहाँ पे दिख रहा है। फ्रंट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट द नियोस वाज, अपीलिंग फ्रंट है। रियर आई एम श्योर हैज गॉट द ओपिनियन डिवाइडेड, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा बिना बेटर जो स्पेशली विद दीज टेल लैम्प्स, ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा रेडिकल भी है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। मुझे तो पसंद आया इसका डिजाइन, अगर मैं सच कहूँ तो, क्योंकि सीमलेस इंटीग्रेशन जो है ना वो करना आसान नहीं है, वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंदर स्पेस की किसी तरीके की कमी ना हो, और बूट स्पेस भी वाजिब हो, और उन दोनों चीजों में ये गाड़ी अच्छा काम करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर भी स्पेस वाजिब है और बूट स्पेस भी कॉम्पिटिशन के मुकाबले अच्छा ही नजर आ रहा है। यहाँ फाइनली बहुत ज्यादा ये मैटर करेगा कि आप कौन सा कलर चूज करते हैं इन द ऑरा, बिकॉज ये जो ब्लैक सी पे ले रही है, कुछ कलर्स में तो बहुत बढ़िया लगता है, मर्ज हो जाता है। इस ब्लू कलर में अच्छा लग रहा है, बट यू लुक एट लाइटर कलर्स और मे बी अ व्हाइट, इट डजंट लुक एज गुड। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई डोंट थिंक कलर हैज बीन सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ कार इन द सेगमेंट एज इट विल बी ऑन द ऑरा। शम्स, जैसे यूजुअली Hyundai की गाड़ी में होता है, अंदर बैठ के इत्मीनान रहता है, सुकून रहता है, प्रीमियमनेस नजर आता है, वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ये जो डुअल टोन फिनिश दिया गया है ग्रे कलर इंसर्ट्स के साथ अच्छा लग रहा है। एंड आई इवन लाइक दिस यूज ऑफ ब्रॉन्ज ऑन द, यस एब्सोल्युटली, ये थोड़ा सा यू नो एनहांस कर रहा है द होल स्पेस को, इट्स समथिंग डिफरेंट दैट यू गेट इन द सेगमेंट, यस एब्सोल्युटली। बाकी स्टोरेज स्पेसेस और चार्जिंग पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल में क्लास लीडिंग Hyundai में आपको मिलेंगे। यहाँ पर दो चार्जिंग पॉइंट आगे दे रखे हैं, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आपके पास दिया गया है। स्टोरेज स्पेसेस, दो बॉटल होल्डर यहाँ रखे जा सकते हैं, दो आपके डोर पे हैं और दो साइड डोर पे भी हैं। सो स्टोरेज और चार्जिंग स्पॉट्स के हिसाब से दिस इज एब्सोल्युटली सॉर्टेड, और कनेक्टिविटी के जितने ऑप्शंस आपको Hyundai दे रही है, जैसे कि वेन्यू या नायोस में आपने देखे हैं, उसी तरीके से कनेक्टिविटी ऑप्शन, ब्लू लिंक, सब कुछ आपको इसमें भी नजर आ रहा है, राइट शम्स? Absolutely, you know, lot to look forward to, compatible with Android Auto, Apple CarPlay,
ब्लू लिंक की बात सामने करी, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है एंड इट वेरी ब्यूटीफुली इज इंटीग्रेटेड विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज वेल. द एमआईडी डिस्प्ले है, इट्स अ पार्ट ऑफ वन यूनिट बोथ द टच स्क्रीन एंड द डिस्प्ले. और डिस्प्ले जो है उसमें भी काफी डिजिटल है, द स्पीडोमीटर एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्वाइट बिग इन साइज एज वेल लुकिंग एट दिस सेगमेंट. तो दैट विल श्योरली हेल्प द ड्राइवर इन गेटिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो यूजिंग दीज सिस्टम बिकॉज उनका एक्सेस बहुत ईजी है. तो वो एक अच्छी चीज़ है ऑन द फ्रंट रो ऑफ द ऑरा. बट मैं अभी बात करूंगा सेकंड रो की, और यहाँ पे भी काफी चीजें जो आपको पसंद आई. इफ यू बाइंग द ऑरा टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द सेकंड रो, आई टेल यू व्हाट यू लाइक हियर. फर्स्ट ये जो सीट है, ये ऐसा कलर तो बहुत ही अच्छा है जो इस लाइट बेज कलर्स में सीट्स दी हैं, हमने नियोस में भी देखी थी, और इसमें भी एक डिफरेंट फील देती हैं. इनका थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, तो इवन फॉर समबडी एज टॉल एज मी आई फील वेरी कंफर्टेबल. माय एंटायर थाई इज टेकन केयर ऑफ बाय दिस बिग सीट. आई एम वेरी हैप्पी विद द नी रूम आई एम गेटिंग. जो आगे की सीट है उस पर सैम बैठे हैं अपने हिसाब से, और स्टिल आई हैव वेरी गुड नी रूम. रेयर एसी वेंट्स यू कैन एक्सपेक्ट इन Hyundai वो भी आपको इसमें मिल रहे हैं. शोल्डर रूफ इज वेरी गुड, और स्लोपिंग रूफ के बावजूद भी एक डिसेंट हेडरूम है यहाँ पे है. अपार्ट फ्रॉम दैट एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर टू पैसेंजर्स एंड अ सेंटर आर्मरेस्ट. आई डोंट नो व्हाट इज मिसिंग ऑन द सेकंड रो बिकॉज एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट इन दिस सेगमेंट Hyundai इज गिविंग यू दैट विद द ऑरा. हाउ अबाउट शम्स की तीसरा बंदा अगर बैठेगा तो उसके लिए भी जैसा कि मैं देख सकता हूँ नीचे फ्लैट फ्लोर है, यानी कि इवन इन द मिडल अगर तीसरा बंदा बैठता है तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी. एब्सोल्युटली because it's a white car, I mean it's not really white, but you're looking at the other cars of the segment, it's decent, right? So you can, in situations where you have three people sitting, thoda discomfort of course hota hi hai if you compare two to three, lekin teen log bhi aaram se isme baith sakte hain. Yani kul milake interior styling aur rear bench space ke mamle mein 6% log hai jinke buying decision mein ye ek ahem bhumika nibhate hain. Wo customer thoda satisfied hi rahenge, unko zyada problem nahi aayegi. So I'm driving the petrol engine variants of the Hyundai Aura, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं चूज करने के लिए. आपके पास दो अलग अलग इंजन हैं, 1.2 लीटर 1 लीटर टर्बो ऑप्शन है, AMT ऑप्शन है, इसमें एक CNG ऑप्शन भी आता है, उसकी बात लेकिन थोड़ी देर में करेंगे. पहले मैं बात करना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है विजिबिलिटी. आमतौर पर हैचेस में या कॉम्पैक्ट सेडान्स में ये शिकायत रहती है कि जो रोड का व्यू है इतना क्लियर इतना कमांडिंग नहीं रहता है. यहाँ पे ना Hyundai ने एक स्पेशल फोकस दिया इस गाड़ी में आपको एक अच्छा व्यू देने के लिए. तो हालांकि मेरी हाइट अच्छी है तो मुझे एक एडवांटेज ऑलरेडी है, बट अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है या आपको और बेटर व्यू चाहिए ड्राइवर सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट, तो एक तो आपके पास ऑफकोर्स एडजस्टेबल सीट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील तो है ही गाड़ी के अंदर, तो वो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हैं. लेकिन Hyundai ने फोकस किया है कि जो ग्लास एरियाज हैं वो और बड़े हो जाएं इन द ऑरा. तो जो आपकी फ्रंट विंडशील्ड है या जो आपके डोर ग्लासेस हैं इनकी साइज बढ़ा दी गई है, तो जो विजिबिलिटी है वो बेटर हो जाती है. देयरफॉर डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू यू गेटिंग अ सेफर ड्राइव ऑन द कार. ए पिलर काफ़ी थिन है इसकी साइज, मतलब इट्स नॉट वेरी थिक, सो अगेन समथिंग दैट विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट योर व्यू ऑफ द रोड. तो एक क्लियर 180 डिग्री व्यू अगर आपको चाहिए ना, तो ये ऑरा की जो सीट है बहुत अच्छी जगह है गाड़ी चलाने के लिए. तो ये तो अच्छी होगी जिसने मुझे पहले ही इस गाड़ी में बैठते ही इंप्रेस किया. अब बात करते हैं इंजन की, और यहाँ के ऑप्शंस ने ट्रूली, मतलब BS6 का जमाना है, एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट पेट्रोल इंजन. और हालांकि Hyundai ने डीजल भी लॉन्च किया है, इट्स द फर्स्ट डीजल इन द सेगमेंट टू कम विद अ BS6 इंजन, लेकिन माय फोकस विल बी ऑन पेट्रोल बिकॉज दो इंजन्स हैं और टर्बो इंजन भी है. तो जो इंजन Hyundai वेन्यू में काफ़ी पॉपुलर हुआ है, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, 1 लीटर टर्बो GTI जो सबसे ताकतवर इंजन है इस गाड़ी के तीनों इंजन में से, 100 PS की पावर देता है. तो चलाने में अगर आपको मज़ा चाहिए ना, हालांकि कॉम्पैक्ट सेडान्स में लोग इस फैक्टर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि चलाने में कितना मज़ा आता है, इट्स मोर अबाउट कन्वीनियंस. लेकिन अगर चलाने का मज़ा चाहिए तो 1 लीटर टर्बो GTI ऑप्शन है, और एक्चुअली चलाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि लाइट वेट गाड़ी है. वेन्यू से कंपेयर करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें ऑफकोर्स इतना 3 बॉक्स कार पीछे डिग्गी है, तो थोड़ा सा एक हैम्पर करेगा आपके बॉडी रोल को या हैंडलिंग को, बट डिस्पाइट दैट यू कैन हैव गुड फन इन दिस कार विद दैट इंजन. दूसरा इंजन क्या है हमारे पास, वो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जिसकी ताकत करीब 83 PS है, और वहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन आपके पास. तो एक पेट्रोल वेरिएंट है जो टर्बो GTI में भी है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है. जो अनलाइक वेन्यू में आपने देखा कि टर्बो GTI में पेट्रोल और ऑटोमेटिक दोनों होते हैं, यहाँ पे वो सीन नहीं है. यहाँ पे टर्बो GTI में आपको सिर्फ मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको 1.2 लीटर इंजन देना पड़ेगा, उस ऑप्शन आपके पास नहीं है, डीजल में भी नहीं है. तो सिर्फ यही बचा आपके पास, इसमें है AMT. टू कट कॉस्ट Hyundai ने डिसाइड किया कि इसमें फुल ब्लोन ऑटोमेटिक नहीं डालेंगे, इसमें AMT डालेंगे या CVT भी नहीं डालेंगे जो हमने i20 में देखा था कुछ टाइम पहले. तो इसमें डाला AMT माइलेज बचाने के लिए. सीधा सीधा एडवांटेज क्या है कि इसका माइलेज बहुत बढ़िया है, तो 20 किलोमीटर्स पर लीटर के ऊपर की माइलेज आपको मिल जाती है.
और ऑफ कोर्स कंपेयर करेंगे टर्बो जीटीआई से तो इतनी माइलेज उसमें आपको कभी नहीं मिलेगी, चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा लेकिन यहाँ आपको माइलेज डेफिनेटली बेहतर मिलेगी, वो है। दूसरी बात क्या है कि यू लुकिंग एट कन्वीनियंस, सबसे बड़ा फैक्टर है भाई। आप इस गाड़ी को लेंगे तो मोस्टली आप शहर में ही चलाएंगे इसको, इन द ट्रैफिक यू विल गेट सेकंड ट्रैफिक फॉर लॉन्ग आवर्स, योर इवनिंग कम्यूट्स टू वर्क आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे इन ऑफिस नीड टू बी स्लाइटली बेटर मोर रिलैक्सिंग, वहाँ पे एनओटी आपको सपोर्ट करेगी, वहाँ इतना ट्रैफिक में आप जीडीआई टर्बो का तो मज़ा ले नहीं पाएंगे, तो वहाँ आता है आपका ये कन्वीनियंस। एंड यू नो बिकॉज दीज आर फैक्ट्री फिटेड मेड इन द Hyundai फैक्ट्री AMTs, दे हैव परफॉर्म रियली वेल। हमने इसको सेंट्रो पे भी देखा था, हमने इसको ग्रैंड राइट एंड नियोस में भी देखा रिसेंटली, और अब यहाँ भी देख रहे हैं, दे परफॉर्म रियली वेल विथ दीज Hyundai इंजन्स, दीज AMT के बॉक्सेस, तो उसमें मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। हाँ ऑफकोर्स व्हेन यू कंपेयर टू अ फुल ब्लोन ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन आपको वो सीट ट्रैफिक में उसकी जरूरत भी नहीं है। द इंजन्स आर केपेबल इनफ विद दैट 83 PS ऑफ पावर टू टेक द लोड of the shortcomings that come with the AMT gearbox, तो वो एक बड़ा एडवांटेज है इन दिस कार अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरी बात अगर आप करें कि अगर आप इसको मैनुअल में चलाएं तो उसमें आपको मज़ा आता है, आप इसको वो AMT को ही मैनुअल और वेरियंट तो है अलग से, लेकिन आप AMT को भी मैनुअल में डाल सकते हैं। तो अगर इफ़ यू वॉन्ट, इफ मैंने एक गियर शिफ्ट किया एंड देन इफ आई वॉन्ट माई कार टू ड्राइव इन मैनुअल आई कैन इजीली डू दैट, सो टू डू माई ओवरटेकिंग मैनूवर्स इन द ट्रैफिक, मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ सबसे आगे, मुझे और आगे एक इनिशियल फास्ट स्टार्ट लेना है, तो मैंने ऑटो मैनुअल में डाल दिया, देन आई कैन हैव कंट्रोल्स ऑन माई गेज, माई गेज शिफ्ट विल हैपन मच लेटर एंड द कार विल गो मच फास्टर इनिशियली, आई विल गेट मोर पावर, तो वो ऑप्शन भी है मेरे पास। और अगर आप मैनुअल लेते हैं तो ऑफकोर्स वो तो है ही, उसमें तो बहुत सारे वेरियंट्स आप टू चूज फ्रॉम, AMT में एक ही वेरियंट है, मैनुअल में तो चार वेरियंट्स आप चूज इसमें से चूज कर सकते हैं, and that price of course starts at under 6 lakh rupees, so you can save a lot of money there. 6 lakh se leke 7 8 lakh ke beech mein aapko char variant milte hain is 1.2 liter petrol mein. GDI mein of course ek hi variant hai jo aapko, usme koi choice nahi hai, aapko ek hi variant se choose karna padega. So overall if you include CNG as well, agar aapko aur zyada mileage chahiye to aap CNG bhi choose kar sakte hain, wo option hai. Haan power thodi kam ho jati hai lekin convenience aur your cost saving actually increases because gaadi bahut zyada chalti hai, तो माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और द गुड थिंग इज दैट अनलाइक इन द प्रीवियस कार्स यू कैन एक्चुअली रजिस्टर द सीएनजी वेरिएंट एज अ पर्सनल व्हीकल, तो अगर आप का ऑफिस बहुत दूर है और जैसे बहुत सारे लोग अर्बन सिटीज़ में सीएनजी कार्स को यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी विद अ पर्सनल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको Hyundai और हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए अगर आप लुक एट द लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हाट यू गेटिंग इन दिस कार इन टर्म्स ऑफ इंजन ड्राइव ट्रेन फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब इतना कुछ है चूज करने के लिए कि आई डोंट थिंक यू विल गो बियॉन्ड पेट्रोल, फॉरगेट गोइंग बियॉन्ड द ऑरा। तो दूसरे ऑफ कोर्स कार्स हैं इन द सेगमेंट, बट यहां तो आप डीजल के बारे में शायद ही सोचें। Hyundai ने ऑरा डीजल BS6 निकाल के ना एक बहुत ही बेहतरीन गेम खेली है। जी हां, जो इस वक्त हम चला रहे हैं ये Hyundai की पहली BS6 गाड़ी कह सकते हैं, और ख़ासकर सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट जो है, 4 मीटर से छोटी गाड़ियों वाला सेडान सेगमेंट जहां पर मारुति की डिज़ायर का वर्चस्व है, वहां पर ये डिसीजन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि BS6 में इन्होंने पहले ही गाड़ी को उतार दिया है। मारुति ने शुरू में घोषणा करी थी कि वो छोटे डीजल इंजन नहीं लेकर आई, हाँ अब उनके बयानों में थोड़ा सा बदलाव नज़र आ रहा है, छोटे डीजल इंजन आ सकते हैं लेकिन उसमें समय लगेगा, और तब तक जो है ना मार्केट में डीजल का जो गैप है पेट्रोल के साथ वो भी बढ़ता जा रहा है। करीब 8 से 9 रुपए का गैप है जो कि इस वक्त डीजल और पेट्रोल के बीच में, यानी कि डीजल की तरफ लोगों का झुकाव भी होगा। समस्या सबसे बड़ी ये थी कि क्या डीजल BS6 खरीदेंगे, क्योंकि अभी तक जो खबरें थी उसके हिसाब से जब BS6 का डीजल आएगा तो कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन Hyundai ने उन सभी चीजों को दरकिनार कर दिया है, वो भी एक अच्छी खासी माइलेज के साथ, 25.43 या यूं कह लीजिए 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है जो कि आपको इस डीजल ऑरा में मिलती है। और अच्छा बिजनेस डिसीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है, अब जो BS6 नॉर्म आ जाएंगे जो कि खाली हो जाएगा, लोगों का झुकाव जो है वो डीजल की तरफ बढ़ रहा है, करीब 80% जो मार्केट है डीजल का, उस मार्केट पे ऑरा की मदद से अच्छा खासा कब्जा है जो कि किया जा सकता है, यानी एक अच्छा डिसीजन कह सकते हैं Hyundai की तरफ से मार्केट को समझने में। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से कि जो आपको एक फील मिलता है ना इस गाड़ी में, इट्स फ्रॉम अ सेगमेंट अबव, आपको लगेगा वरना में बैठे हुए हैं, और उस तरह का कन्वीनियंस और कंफर्ट आपको Hyundai Aura देती है, बोथ ऑन द फ्रंट रो एज वेल एज ऑन द सेकेंड रो। आज बात करते हैं हैंडलिंग की। अब हैंडलिंग में क्या होगा, हैंडलिंग में ये होगा कि भाई आप सोचेंगे पीछे एक 3 बॉक्स कार है,
तो थोड़ा तो अगर आप इसको नियोस से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी नियोस की होनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, थोड़ी सी हैंडलिंग पे असर तो पड़ेगा बिकॉज यू हैव अ 3-बॉक्स कार एंड स्पेशली इफ यू वांट टू हैव फन मैनूवर्स व्हाइल ड्राइविंग द टर्बो GTI, तो आपको लगेगा यार अगर ये इंजन शायद ग्रेनाइट एंड नियोस में होता तो और मजा आ जाता। तो मैं तो यही बोलूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि Hyundai जल्दी से इस टर्बो 1 लीटर GTI को नियोस में डाले। And then if you want an affordable, fun driving car, then go for the Nios instead of the Aura. You will have much more fun. Till then, I think it's much more saner, much more wiser to go for the 1.2 liter petrol according to me, because yahan pe aapko AMT option mil jata hai. And for that, I think this car is more suited. Looking at the conditions we drive our cars in, especially in urban mobility, when it comes to solutions. टीम ट्रायल रूम जो भी रिव्यू आप तक लेकर आती है गाड़ी का, कोशिश यही रहती है कि ईमानदारी से आपको हम उस गाड़ी के बारे में समझा सकें और पूरा 360 यानी कि कंपनी को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर क्योंकि मैं सेफ्टी का मुद्दा उठाने जा रहा हूँ और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है क्योंकि रोड फैटेलिटी जो हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। Hyundai की गाड़ियों के बारे में आपको बता दूँ कि मैं Hyundai के प्लांट का करीब 3 या 4 बार दौरा कर चुका हूँ और बहुत ही ध्यान से सेफ्टी टेस्ट के साथ कई सारे पायदानों को क्रॉस करती हुई ये गाड़ी आपको तैयार करके दी जाती है, यानी किसी भी तरीके का सवाल या निशान आप उस पर नहीं उठा सकते। जिस तरीके की बॉडी है, वेल स्ट्रक्चर्ड ये जो बॉडी है Hyundai की, और 65वीं सदी पहले से ज़्यादा मजबूत भी हो गई है, एल्यूमिनियम का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ स्टील है जिसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑल दोज थिंग्स इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। बट सिर्फ 2 एयरबैग यानी ड्राइवर साइड और पैसेंजर एयरबैग है जो कि आपको इस गाड़ी में दिया गया है। ये शायद और बेहतर हो सकता है क्योंकि इसी सेगमेंट की एक और गाड़ी है, उसको अभी 4-स्टार एंड कैप रेटिंग भी मिली है। सेफ्टी को पैरामीटर बना के गाड़ियों की मार्केटिंग की जा रही है और उस लिहाज से शायद इस गाड़ी में सब कुछ अच्छा है, पर और अच्छा हो सकता था अगर सेफ्टी को भी एक और पैमाना ऊपर उठाया जाता। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस विद द न्यू Hyundai Aura। द गुड थिंग इज दैट Hyundai हैज गिवन यू सो मेनी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ इंजन्स एंड गियरबॉक्सेस दैट यू कैन एक्चुअली टेक योर पिक टू चूज द कार दैट एक्चुअली सूट्स यू इफ यू लाइक द Aura दैट इज। तो पेट्रोल है, डीजल है, AMT दोनों में है और एक तीसरा पेट्रोल इंजन भी है जिसमें मैनुअल है, जिसको अगर आप चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है आपको तो वो ले सकते हैं टर्बो GTI। तो पेट्रोल बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे मैंने बोला 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में, यू कैन चूज योर वेरिएंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। मे बी आपके पास 4 वेरिएंट मौजूद हैं, तो मैनुअल में, दो AMT में, और कीमत जो है 7 से लेकर 9 लाख के बीच में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये VS6 की खबरें शुरू हुई थी तब सबसे बड़ा जो लोगों को प्रॉब्लम था वो ये था कि पेट्रोल और डीजल के बीच में जो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन Hyundai ने उन सभी चीज़ों को एक तरह से दरकिनार कर दिया है। जो गैप है वो करीब 1,17,000 का पेट्रोल और डीजल की अगर आप वेरियंट्स की बात करेंगे, यानी नॉट मच, जैसे पहला था वैसे ही आपको कुछ नज़र आएगा। अगर वही आप BS4 की जो गाड़ियाँ जाए डिज़ायर या फिर अमेज जैसे मौजूद है वहाँ पर अगर 1 लाख का है, ऐसे अमेज में 1,15,000 का है, तो उन सब गैपों को अगर आप मिला के देखें तो 1,17,000 इज नॉट बिग डील एंड दिस वन इज BS6 रेडी। और एक और चीज़ बहुत बड़ी हिट हुई है विद Hyundai कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स जो उन्होंने वेन्यू के साथ किया था, इज समथिंग कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल वारंटी। Now what happens there is that you can actually choose your warranty by paying the same amount. कोई amount vary नहीं करेगा। आप 3 साल से लेकर 5 साल तक की warranty choose कर सकते हैं depending on how many kilometers you want it for. तो of course अगर आप 3 साल की choose करेंगे तो आपका 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन अगर आप 5 साल की choose करते हैं तो वो आधा हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी कितनी चलती है आपको पता है, 1 साल में कितनी चलती है आपको पता है। तो the company is actually giving you the flexibility, the option of actually having the warranty at the same cost for a long period of 5 years if you think you will not drive for more than 50,000 kilometers. I think that's a fantastic option. Absolutely. Especially for the money-minded consumer. And for money-minded consumers who keep money close to their chest, वो जो सर्विस का कॉस्ट है ना वो भी ज़्यादा नहीं है, 3,500 से 4,000 के बीच, जो कि आपको कंपनी बताएगी वो 3,886 रुपये है, यानी 3,500 से 4,000 के बीच का खर्चा है, वो खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यानी कुल मिला के जो पैकेजिंग है इस गाड़ी की वो बहुत अच्छी करी गई है, मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है उसको ध्यान में रखकर करी गई है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी दी गई हैं और अपडेटेड के साथ फ्यूचर रेडी भी है। 80% जो मार्केट जो डीजल BS6 की खाली है उस पर कब्जा करने का एक अच्छा मौका Hyundai के लिए। गाड़ी तैयार है, आप शोरूम में जाएं, देखें, अच्छी लगे तो कमेंट्स में हमें बताएं और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं आपको, और क्या हम बता सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या रिलेवेंट है क्या नहीं आपके लिए, वी वुड लव टू नो फ्रॉम यू एंड लेट अस नो व्हाट एल्स कैन बी फीचर ऑन आवर वीडियो हियर ऑन TrialRoom। थैंक यू।